रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपने लीडर बनना है। लीडर वो होता है जो पहल करता है, जो सबक याद करके आता है। जब टीचर पूछती हैं तो वो हाथ खड़ा करता है, वो साफ सुथरा रहता है, वो हमेशा सच बोलता है, घर में भी, बाहर में भी, अकेले में भी, सबसे बीच में भी। और वो मेहनत करता है, मुसलसल मेहनत, वो मेहनत करना नहीं कभी छोड़ता। वो अच्छी आदतें अपनाता है, अच्छे अल्फाज का चुनाव करता है। तो आज हम हमारे सबक में हम काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो काउंट करेंगे। तो ये आपके सामने नंबर देखें और इसमें से टेंस और वंस काउंट करें। जैसे नंबर को देखो और इकाई और दहाई की गिनती करो। जैसे 59 नंबर है तो इसमें 5 टेंस हैं और 9 वंस हैं। देर आर 5 टेंस, यानी 5 दहाइयाँ हैं, 50 ब्लॉक हैं और 9 इकाइयाँ हैं, एक एक के 9 ब्लॉक हैं। तो उसके बाद ये है 34 में 3 टेंस हैं और यानी 3 दहाइयाँ हैं और 4 वंस हैं। तो 34 इज इक्वल टू 30+4। तो अगर हम टेंस और वंस अच्छी तरह इस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हमारे लिए गिनती कोई मुश्किल नहीं रहेगी इंशाल्लाह। राइट द नंबर्स ऑफ टेंस एंड वंस। ये लेफ्ट साइड पे नंबर्स लिखे हैं, इनमें से टेंस और वंस अलहदा करें। अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करें, खुद प्रैक्टिस करें और जवाब इसके आगे लिखे हुए हैं, वरना आपको समझ नहीं आएगी। 23 में 2 टेंस हैं, 3 वंस हैं। 45 में 4 टेंस हैं, 5 वंस हैं। 62 में 6 टेंस हैं और 2 वंस हैं। और 87 में 8 टेंस हैं और 7 वंस हैं। और 43 में 4 टेंस हैं और 3 वंस हैं। आपने ये सब जवाब देखने से पहले इसी तरह ये वाली स्लाइड है, लेफ्ट साइड पे नंबर लिखे हैं, आपने इनको टेंस और वंस में खुद से लिखना है। यहाँ पे अपनी वीडियो स्टॉप करें क्योंकि आगे इसका हल दिया हुआ है। तो अब आप देखें 56 जो है, इसमें 5 टेंस हैं, 6 वंस हैं। 31 में 3 टेंस हैं और 1 वंस हैं। 95 में 9 टेंस हैं और 5 वंस हैं। और 20 में 2 टेंस और 0 वंस। और 18 में 1 टेंस और 8 वंस हैं। तो उर्दू में वंस को काई कहते हैं और टेंस को दहाई यानी 10 कहते हैं। तो अब ये हम पढ़ते हैं 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। राइट साइड पे नंबर्स लिखे हुए हैं और लेफ्ट साइड पे इंग्लिश में इनके स्पेलिंग लिखे हुए हैं। तो आपने नोट किया कि ये जो 3 नंबर्स हैं 13 से लेके 19 तक, इनके आखिर में इन आता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसलिए इनको 3 नंबर्स कहते हैं। तो हर दफ़ा वही 3 जो है वो रिपीट होता है। उसके बाद है 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। आप देखें कि अगर आप 1 से 9 तक गिनती कर लें तो हर दफ़ा आप 20 शुरू हुआ है तो 20 के बाद 1, 2, 3 फिर दोबारा से आता है, स्पेलिंग भी वही आते हैं। तो ये आपने नंबर्स को मैच करना है। तो यहाँ पे भी आप वीडियो रोकें, जो वर्ड्स में नंबर लिखे हैं उनको खुद से मैच करें, फिर अगली वीडियो पे जाएं। तो ये 22 जो है वो 22, 13 13, 15 15, 27 27, 11 11। तो अब ये हम अगले नंबर पढ़ते हैं 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। अभी आपने नंबर जो है और वर्ड्स के साथ मैच करने हैं। यहाँ पे रुक जाएं, वीडियो को रोकें और अपनी कॉपी पेंसिल पे इन नंबर को लिखें, वर्ड्स को लिखें, उसके बाद आगे जाएं। तो ये है 39 जो है वो 39, 33 को 33 से, 46 को 46 से और 49 को 49 से। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। आप देख लें कि 1 से 9 तक वही बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, इसलिए आप 1 से 9 अच्छी तरह स्पेलिंग याद कर लें। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। कितनी आसान है इंग्लिश में गिनती लिखना। फिर ये आपके मैच द वर्ड विद द करेक्ट नंबर। यहाँ पे स्लाइड को रोकें, खुद से मैच करें और फिर आगे इसको देखें, आगे इसका जवाब दिया हुआ है, लेकिन पहले खुद कोशिश करें। अगर आपको समझ आ गया तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 58, 62, 51 और 65।
अब हम अगला काउंटिंग पढ़ते हैं 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। आप देख लें कि वही 1, 2, 3 वही स्पेलिंग है 70 के आपने याद कर लिए। इसी तरह 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89। तो 80 के 9 तक वही 80 और बाकी 1 से 9 तक रिपीट होते हैं। तो रीड द वर्ड एंड राइट द नंबर, तो इसको भी आप जो है ना आगे खुद से लिखें। यहाँ पे वीडियो स्टॉप करें क्योंकि खुद से कोशिश करें समझने की और फिर इसका जवाब चेक करें। तो ये है 72, 40, 84, 76 और 80। फिर उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, यानी 90 को 90 कहते हैं और फिर आपने फिर 1 to 9 आपने 99 तक करना है। तो रीड द नंबर एंड राइट इन वर्ड्स, ये लेफ्ट साइड पे नंबर दिए हुए हैं, आपने इनको वर्ड्स में लिखना है। लेकिन यहाँ पे रुक जाएं, खुद से लिखें और फिर इसका जवाब चेक करें। तो प्यारे बच्चों, हमने लीडर बनना है, हमने पहल करनी है, हमने अपना मेहनत करनी है, आपने ये नंबर सीखने हैं, याद करने हैं, बार बार लिखने हैं और इंशाल्लाह अपनी क्लास में फर्स्ट आना है। तो बहुत शुक्रिया आपकी वीडियो वॉच करने का।